नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। दोस्तों, आज का ये जो दिन है इतिहास लिख रहा है और आज के इस दिन को समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कभी भी नहीं भूल सकते। दोस्तों, क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि आज राज्यसभा के चुनाव की वोटिंग हुई है और उन्हीं के दोस्तों समाजवादी पार्टी के ही 8 विधायक भाजपा के खेमे में वोट किए, मतलब अपने पार्टी के ही विरोध में जाकर के वोटिंग किए। दोस्तों, ये कौन विधायक हैं जिनको सपा सर पर चढ़ा करके रखी थी? सपा उनका हर बात मानती थी, सपा उनको एक तरह से जो है अपने सर पर बिठाकर तो रखी ही थी। वो जो बोलते थे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव वो करते थे। चलिए उनका नाम गिनाते हैं दोस्तों, और इनमें से कुछ ऐसे विधायक हैं जिनको समाजवादी पार्टी जेल में रहते हुए भी टिकट दिया। मुलायम सिंह यादव की सरकार में जेल में रहते हुए इनको टिकट दिया, वहां से चुनाव जीते, वो विधायक समाजवादी पार्टी से गद्दारी कर गए। आइए पहले नाम जानते हैं इन महानुभावों का जिन्होंने अपनी ही पार्टी से गद्दारी किया, भाजपा के तरफ से पैसे लेकर के उनके पक्ष में वोट किया। आइए दोस्तों जानते हैं इनके बारे में है कौन ये। दोस्तों, पहला नाम आता है, अपनी स्क्रीन पर देखिए, पहला नाम आता है मनोज पांडे का। मनोज पांडे दोस्तों मुख्य सचेतक थे समाजवादी पार्टी के। मुख्य सचेतक मतलब समाजवादी पार्टी को सचेत करते थे, समाजवादी पार्टी को एक तरह से सलाह देते थे, राय मशवरा देते थे दोस्तों मनोज पांडे जी। लेकिन मनोज पांडे आज अपनी ही पार्टी से गद्दारी करके भाजपा के प्रत्याशियों को वोट किया, क्रॉस वोटिंग किया। सोचिए दोस्तों, ये वो सवर्ण नेता हैं जिन पर समाजवादी पार्टी ने बेशुमार प्यार लुटाया, बेशुमार पैसा खर्च किया, इनके मनमाने तरीके से जो ये कहे वो किया, लेकिन अंततः मनोज पांडे जैसे लोगों ने समाजवादी पार्टी को मेन वक्त पे क्या दिया। मनोज पांडे ही नहीं है, दूसरा नाम देखिए अपनी स्क्रीन पर दोस्तों, दूसरा नाम है अभय सिंह। अभय सिंह दोस्तों ये वो नेता है जो जेल में रह करके चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी के सिंबल से, समाजवादी पार्टी के टिकट से, और ये जीत भी दर्ज किए। उस वक्त मुलायम सिंह की कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, और दोस्तों लेकिन अंततः इन्होंने भी बीजेपी को जो है साथ दिया, अपनी पार्टी के साथ इन्होंने दगाबाजी किया। और दोस्तों ये क्या कहते थे ये पहले, किस तरह से समाजवादी पार्टी का एहसान चुकाते थे पहले, मतलब एहसान मंद थे पहले, किस तरह से अपनी बात रखते थे पहले, ये देखिए पहले वीडियो। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जेल में रहते हुए हमको टिकट दिया और मैं विधायक बना, तो जिस नेता का जिस पार्टी का हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान है, जब वो कहेंगे भाग जाओ अभय सिंह तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो हो तब हम अपने आके घर बैठ जाएंगे, तब भी मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों आपने देख लिया अभय सिंह का, अभय सिंह वो नेता है दोस्तों जो पहले बोला करते थे कि हम अपनी पार्टी से कैसे गद्दारी कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुलायम सिंह यादव ने बहुत कुछ दिया, मुलायम सिंह जी जेल में रहते हुए भी हमको टिकट दिए, ये हम नहीं अभय सिंह खुद बोल रहे हैं। लेकिन आज अभय सिंह क्या किए, जब अभय सिंह को खुद का एहसान चुकाना हुआ तो किस तरह से भाजपा के खेमे में जा करके लौट गए, किस तरह से भाजपा के तरफ से पैसे एक तरह से कहीं ना कहीं ले करके बिक गए ना। ये दो ही नहीं है दोस्तों, तीसरा नाम देखिए राकेश प्रताप सिंह, और नाम देखिएगा और इन नामों के टाइटल को सोचिएगा,
इन विधायकों की जातियों को जो है गौर करिएगा कि ये विधायक ज्यादातर किन जातियों से आते हैं जो आज समाजवादी पार्टी को धोखा दिए हैं, वो किस जाति से ज्यादातर आ रहे हैं सोचिएगा आप। राकेश प्रताप सिंह, और दोस्तों ये आप तो देख लिए, अब तीसरा चौथा नाम देखिएगा, महाराजी प्रजापति। महाराजी प्रजापति अमेठी से विधायक हैं और ये गायत्री प्रसाद प्रजापति की जो जो है पत्नी है, गायत्री प्रसाद प्रजापति जो इस वक्त जेल में है। हो सकता है दोस्तों महाराजी प्रजापति के साथ भाजपा ने डील किया हो कि आपके पति को जल्द से जल्द बाहर हम निकाल देंगे अगर आप हमको वोट करती हैं, तो मतलब यहां पर महाराजी देवी प्रजापति भी भाजपा की तरफ बिक गई, भाजपा के जो है एक तरह से ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया दोस्तों। और दोस्तों पांचवा नाम देखिए, पांचवा नाम है दोस्तों कौशाम्बी के चायल विधानसभा से विधायक पूजा पाल का। देखिए दोस्तों पूजा पाल, ये वही पूजा पाल हैं जो जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो ये भी बताया जा रहा था कि हो सकता है कि भाजपा की तरफ से टिकट पा जाए, लेकिन भाजपा ने इनको उस वक्त टिकट नहीं दिया था। इनको टिकट दिया था तो अखिलेश यादव ने दिया था, और फिर उसके बाद ये जीत गई, और फिर उसके विधायक बनने के कुछ ही महीने बाद ये भी खबर चलने लगी थी कि पूजा पाल हो सकता है समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए। उस वक्त पूजा पाल समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुई, लेकिन अब पूजा पाल समाजवादी जो है भाजपा में शामिल उस वक्त नहीं हुई थी, लेकिन अब पूजा पाल जो है समाजवादी पार्टी की विधायक होते हुए भी भाजपा के राज्यसभा के प्रत्याशियों को वोट किया, पार्टी से बगावत किया इन्होंने दोस्तों। और अगला नाम देखिए दोस्तों, आशुतोष मौर्य, बदायूं से विधायक हैं ये साहब, समाजवादी पार्टी के टिकट से, लेकिन अंततः इन्होंने किसको वोट किया, भाजपा को। डील हुई होगी, लंबी डील हुई होगी, हो सकता है साहब कुछ पैसे लिए हों, ऐसा भी हुआ होगा, लेकिन दोस्तों अपनी ही पार्टी से गद्दारी करके आप अगर दूसरी पार्टी में जाएंगे तो वहां पर कितनी विश्वसनीयता आपकी रहेगी, कितना आपको वहां पर सम्मान प्यार इज्जत मिलेगा, बताइए आप। जो नेता अपनी ही पार्टी का सगा नहीं हुआ वो कैसे भाजपा का सगा होगा, वो कैसे भाजपा में जाने के बाद दूसरी पार्टी में नहीं शामिल हो जाएगा, बताइए आप। इन नेताओं की विश्वसनीयता पर कैसे इंसान अब भरोसा करेगा, नेता पार्टी तो पार्टी दोस्तों, इन नेताओं की विश्वसनीयता पर इनके क्षेत्र की जनता कैसे भरोसा करेगी, आप बताइए दोस्तों। दोस्तों अगला नाम देखिएगा, राकेश पांडे हैं, राकेश पांडे भी समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक बने और भाजपा को जाकर के वोट दिया। आखिर समाजवादी पार्टी कब समझेगी कि ये जो राकेश पांडे जैसे लोग हैं, अभय प्रताप सिंह जैसे लोग हैं, राकेश प्रताप सिंह जैसे लोग हैं, मनोज पांडे जैसे लोग हैं, ये हमारे लिए कभी तैसी नहीं हो सकते, हमारी पार्टी के लिए तैसी नहीं हो सकते, ये भाजपा ये सपा कब समझेगी, ये अखिलेश यादव कब समझेंगे। पीडीए तो बताते हैं जो है पिछड़ा दलित अगड़ा, ये तो बताते हैं अखिलेश यादव, लेकिन पिछड़ा दलित और अगड़ा वाले जो विधायक हैं इनका साथ क्यों नहीं देते, उस जाति के जो विधायक हैं अगड़ा के इनका साथ क्यों नहीं देते, क्या अब इनको जो अगड़ा किए थे यही अगड़ा अल्पसंख्यक कर देना चाहिए, सही बात है दोस्तों, क्योंकि ना तो इनको ब्राह्मण विधायक सहयोग कर रहे हैं, जीत तो जा रहे हैं इनके पार्टी से लेकिन भाजपा को वोट दे रहे हैं, भाजपा की तरफ चले जा रहे हैं, और ना ही जो है राजपूत छत्री जो
विधायक हैं वो इनका सहयोग कर रहे हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी एक स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए कि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। अब पीडीए का मतलब ये नहीं पिछड़ा दलित अगड़ा, पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, क्योंकि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही कहीं ना कहीं आज के टाइम पर समाजवादी पार्टी के साथ है। बाकी ब्राह्मण और जो छत्री विधायक हैं वो तो एक एक करके भाजपा में चले ही जा रहे हैं, मौका पाते हैं भाजपा में निकल जाते हैं, मेन वक्त पे पार्टी को धोखा दे देते हैं। और दोस्तों लास्ट नाम है, आठवां नाम है विनोद चतुर्वेदी का। विनोद चतुर्वेदी भी ब्राह्मण है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि वहीं पर जाएंगे जहां पर इनके सारे साथी भाग रहे हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को स्टैंड क्लियर करना होगा कि समाजवादी पार्टी पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, ना कि पिछड़ा दलित अगड़ा, समझ रहे हैं। और दोस्तों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस पर क्या बोले हैं ये देखिए दोस्तों आप। पहले जहाँ तक चुनाव का सवाल है और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया और अधिकारी के माध्यम से, उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव ने सीधा बोल दिया है कि बहुत जल्द हम इनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ एक कार्रवाई करेंगे। लेकिन कब कार्रवाई करोगे आप? टाइम आता है तो ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं और टिकट दे देते हैं आप, तो कब कार्रवाई करेंगे? और आपकी पार्टी में ऐसे लोग तब तक रहेंगे जब तक ऐसे लोगों को आप टिकट देंगे जिनको आप जानते हैं कि इनके जो है खून में ही आरएसएस है, डीएनए में ही इनके आरएसएस है, तो उनको क्यों टिकट दे रहे हैं? और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे, वो जैसे ही आज वोट देने से पहले इस्तीफा दिए मुख्य सचेतक पद से समाजवादी पार्टी के, वैसे ही दोस्तों समाजवादी पार्टी के कार्यालय से, उनका जो चैम्बर है उनके चैम्बर के सामने से उनका बोर्ड, उनका नेम प्लेट हटा दिया गया। देखिए और दोस्तों यही तक नहीं, समाजवादी पार्टी के जो विधायक आज क्रॉस वोटिंग किए हैं, पार्टी से गद्दारी किए हैं, बिक गए हैं, उनके खिलाफ जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी जो है हल्ला बोल किए, वो भी उनके खिलाफ नारेबाजी की, पुतला कहीं कहीं फूके तो कहीं जो है जबरदस्त तरीके से हल्ला बोल किए, ये हुआ है दोस्तों आज। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही कहीं ना कहीं बगावत नहीं हुई है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव समाज पार्टी जो है, उनका भी एक विधायक आज
समाजवादी पार्टी को वोट डाला है। उसका कहना यह है कि मैं विधायक बना था तो समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था उस वक्त, और इस वजह से मैं गठबंधन का विधायक हूं, तो मैं जिस गठबंधन का गठबंधन से विधायक बना हूं उस पार्टी को वोट डालूंगा, न कि भाजपा को। और हो सकता है ओपी राजभर जैसे ही ये खबर सुने होंगे, जैसे ही ये जानकारी पाए होंगे, काफी उनको गुस्सा लगा होगा अपने इस विधायक पर। लेकिन ये विधायक जानता है कि हम समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव समाज पार्टी के गठबंधन से विधायक बने हैं, तो उसका फर्ज निभाना है, और निभाया भी ये विधायक। और दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि जैसे ही इस बार समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित किया था, उसके बाद पल्लवी पटेल विरोध करने लगी थी कि समाजवादी पार्टी जिन प्रत्याशियों का लिस्ट जारी किया है उससे मैं कतई भी सहमत नहीं हूँ। उसके बाद दोस्तों समाजवादी पार्टी के कुछ तुटपुंजिया नेता जो हैं पल्लवी पटेल को घेरने लगे, तमाम तरह की बातें करने लगे, बोलने लगे कि समाजवादी पार्टी की ही विधायक हैं, इसके बावजूद भी ऐसा कर रही हैं, गद्दारी कर रही हैं ये। लेकिन दोस्तों जिनको गद्दार बोल रहे थे समाजवादी पार्टी वाले, आज वही पल्लवी पटेल पीडीए का धर्म निभाई। पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। पल्लवी पटेल के विश्वसनीयता पर शक कर रहे थे समाजवादी, लेकिन अंततः पल्लवी पटेल ने ये दिखा दिया कि पल्लवी पटेल एहसान फरामोश नहीं है, गद्दारी नहीं करती, ये जान लीजिए दोस्तों। देखिए पल्लवी पटेल क्या बोली। देखिए पीडीए की बात करती हूँ, मैं पीडीए हूँ और पीडीए इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा मतलब क्या आपने रामजी लाल सुमन को किया है या किसको किया है, पर अगर क्लेरिफिकेशन की तो वोट कास्ट भी कर दिया आपने। मैंने रामजी लाल सुमन जी को वोट किया है। कहा जा रहा था कि कुछ डिफरेंसेस हो रहे थे आपके और समाजवादी पार्टी के बीच, अखिलेश यादव से भी फोन पे कोई बात हुई थी, तो क्या उसका कोई। देखिए अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगी पीडीए मेरा वजूद है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्ध हूँ और उसी के लिए वोट कास्ट किया। तो दोस्तों आपने देखा कि पल्लवी पटेल ने सीधा बोला है कि कुछ भी हो जाए भाजपा के साथ नहीं जाएंगी, भले ही समाजवादी पार्टी से उनका जो है कहीं ना कहीं बातचीत सही नहीं चल रहा था, अंततः वो समाजवादी पार्टी को ही वोट दी और पीडीए गठबंधन का उन्होंने धर्म निभाया। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि समाजवादी पार्टी ओपी राजभर पार्टी में ही सिर्फ और सिर्फ बगावत नहीं हुआ है, बगावत दोस्तों बीएसपी में भी हुआ है। बीएसपी भले ही राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ रही थी इस बार, लेकिन फिर भी दोस्तों बीएसपी का एक विधायक है, बीएसपी के विधायक का नाम है उमाशंकर सिंह, बलिया के रसड़ा से विधायक है, लेकिन इन्होंने दोस्तों भाजपा को वोट किया। और जिस तरह से बीएसपी ये कहती है कि हम कुछ भी हो जाए बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, लेकिन यहां पर तो बीएसपी का विधायक बीजेपी के साथ जा रहा है, और वो विधायक जिस विधायक को सर पर चढ़ा रखी हैं बहन कुमारी मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, वो विधायक भाजपा को वोट कर रहा है। तो दोस्तों जो बीएसपी बोलती है हकीकत में वो है नहीं बीएसपी। बीएसपी वर्तमान में दोस्तों भाजपा के गोद में जाकर के बैठ चुकी है, और कहीं ना कहीं दोस्तों बीएसपी भाजपा की बी टीम है, आपको ये समझना होगा, तभी तो उनके विधायक चले जा रहे हैं और उन विधायकों पर कोई कार्रवाई करने की बात भी नहीं हो रही है। हम मानते हैं कि बीएसपी जो है राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ी थी, ज्यादा विधायक नहीं थे, लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पर उनके विधायकों को अपनी ही विरोधी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देना क्या सही बनता है, आप बताइए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में बीजेपी के साथ भी खेला हुआ है, और कर्नाटक में खबर यह है कि कई बीजेपी विधायक
कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट किए हैं। ये मत सोचिएगा आप कि समाजवादी पार्टी, सुहेल देव समाज पार्टी और बीएसपी में ही बगावत हुआ है, भाजपा में भी बगावत हुआ है, भाजपा कर्नाटक में बगावत हुआ है। भाजपा कर्नाटक के जो विधायक थे वो कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट किया है, ये जान लीजिए आप। तो खैर दोस्तों, कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भविष्यवाणी था वो सच साबित हुआ, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला था कि समाजवादी पार्टी में ऐसे नेता हैं जो पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, उनका भविष्यवाणी साफ साफ दिख रहा है, सच साबित हुआ हो रहा है दोस्तों। भले ही समाजवादी पार्टी के लोग, तुटपुंजिया नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं गलत बताएं, लेकिन यहां पर आज साबित ये हो गया कि समाजवादी पार्टी पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भविष्यवाणी किया था वो आज सच साबित हुआ है। और कहीं ना कहीं दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य सही थे, तभी तो उन्होंने बोला था और आज वही हुआ भी। खैर दोस्तों, हमें दीजिए इजाजत और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और बताइए कि समाजवादी पार्टी में जो समण विधायक हैं, जो समण प्रत्याशी जीत कर जाते हैं, वो पार्टी के ही खिलाफ गद्दारी करते हैं। तो आप अगर समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक हैं तो एक बार सोच करके समण प्रत्याशियों को वोट देना, क्योंकि ये समण प्रत्याशी जो है ना, अखिलेश के भी सगे नहीं हैं, समाजवादी पार्टी के भी सगे नहीं हैं, तो आपके कहाँ से सगे होंगे। मौका पाते ही भाजपा में चले जाएंगे, पैसा लेकर के बिक जाएंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का भविष्यवाणी सच हुआ है या नहीं। दोस्तों नमस्कार।